हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल में देखकर ही पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनका आधार कार्ड खो जाता है और उन्हें ना तो अपना आधार कार्ड नंबर याद होता है और ना ही एनरोलमेंट नंबर याद होता है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपना आधार कार्ड नंबर घर पर ही कैसे निकाल सकते हैं और एनरोलमेंट नंबर भी कैसे निकाल सकते हैं, वो भी डेट एंड टाइम के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने मेन क्रोम ब्राउजर पर। फ्रेंड्स, आ गए हम अपने क्रोम ब्राउजर पर। हम गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे UIDAI। फ्रेंड्स, UIDAI सर्च हो जाए फिर आपको नीचे UIDAI.gov.in दिखेगी, जो आधार कार्ड की ऑफिशियल साइट है, इस पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, हम आधार कार्ड की ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं। इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आपको डायरेक्ट आना है तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं। फ्रेंड्स, हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और रिट्रीव लॉस्ट और फॉरगेटन EID UID पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, सिलेक्ट ऑप्शन आई वांट टू रिट्रीव माई लॉस्ट और फॉरगेटन। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा आधार कार्ड खो चुका है या भूल चुके हैं। फ्रेंड्स, नीचे स्क्रॉल करेंगे फिर थोड़ा सा। फ्रेंड्स, फुल नेम में अपना नाम डाल देंगे, जो आधार कार्ड में पूरा नाम है फ्रेंड्स वो ही डालेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। फ्रेंड्स, आप दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डालूंगा। फ्रेंड्स, फिर नीचे कैप्चा कोड डालेंगे। फ्रेंड्स, जब कैप्चा कोड डाल देंगे तो नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे मैसेज आ चुका है, ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। फ्रेंड्स, देखा आपने, मुझे नीचे ऊपर मैसेज भी आ चुका है। फ्रेंड्स, मेरा जो ओटीपी है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे पहले और यहाँ पर एंटर ओटीपी पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो आपको ओटीपी आया 6 डिजिट का वो डाल देंगे। फ्रेंड्स, जब ओटीपी डाल देंगे तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे राइट आ चुका है, यहाँ पे लिख रहा है योर UID इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। फ्रेंड्स, मेरा जो आधार नंबर है वो आप देख रहे होंगे, मैसेज भी आ चुका है। मैं आपको जो अभी जस्ट नाउ भी मैसेज आया था वही दिखाता हूँ, तो चलो मैसेज में चलते हैं। फ्रेंड्स, आप मैसेज देख सकते हैं, ये मेरा आधार नंबर है जो कि अभी अभी 3 मिनट पहले ही आया, जो मैंने अभी डाउनलोड कराया है। फ्रेंड्स, आधार नंबर हम ले चुके हैं, अब चलते हैं हम एनरोलमेंट नंबर लेने के लिए, वो कैसे प्राप्त करते हैं उसका भी सेम प्रोसेस है। तो चलिए दोबारा अपने गूगल क्रोम पर चलते हैं। फ्रेंड्स, जो ये टैब है इन्हें दोबारा हटा देंगे और एक सिंपल एक न्यू पेज लेंगे और आपको गूगल सर्च बार में टाइप करना है UIDAI, जो आप पहले ही टाइप कर चुके हैं। फ्रेंड्स, UIDAI.gov.in पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने पहले किया था, दोबारा आधार कार्ड की साइट पे वहीं आ जाना है। फ्रेंड्स, UIDAI.gov.in, जो कि आधार कार्ड की ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चाहो तो आप वहां से भी क्लिक करके आ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे दो जब ये साइट खुल जाएगी तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और रिट्राइव लॉस्ट और फॉरगेटन EID UID पर क्लिक करना है, जैसा कि आपने पहले भी किया था। फ्रेंड्स, जब ये साइट खुल जाएगी तो जैसे कि आपने पहले आधार नंबर पर सिलेक्ट किया हुआ था, आपको अब एनरोलमेंट ID पर सिलेक्ट करना है और फ्रेंड्स फिर नीचे स्क्रॉल करना है।
और अपना फुल नाम डालना है। फ्रेंड जैसे कि मैं अपना फुल नाम डाल चुका हूँ और आपको दोबारा वही दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या फिर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। फ्रेंड्स जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर डाल चुका हूँ, आपको नीचे कैप्चा कोड डालना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं कैप्चा कोड डाल देता हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि मैं कैप्चा कोड डाल चुका हूँ, मुझे नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा, इससे ही मैं एनरोलमेंट नंबर डाउनलोड कर सकता हूँ। तो सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स जैसे मुझे मैसेज आ चुका है, ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। फ्रेंड्स जो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार कार्ड में, उस पर मुझे मैसेज भेज दिया गया है फ्रेंड्स, तो मैं वहाँ पर चेक कर लूँगा। मैं नीचे पहले स्क्रॉल करूँगा और जो मुझे ओटीपी आया है वो मुझे एंटर ओटीपी में डालना है, जैसे कि हमने पहले भी किया था, तो हम ओटीपी डाल देंगे। फ्रेंड्स जब ओटीपी डाल दे तो हमें लॉग इन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स मेरे डिस्प्ले पे मैसेज आ चुका है और एक टेक्स्ट मैसेज भी आ चुका है, तो मैं आपको टेक्स्ट मैसेज दिखा दूंगा। फ्रेंड्स जो मुझे अभी UIDAI की तरफ से मैसेज आया वो मैसेज दिए रहा, फ्रेंड्स ये मेरा इनरोलमेंट आईडी है जो कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आपने आधार कार्ड नंबर और इनरोलमेंट नंबर दोनों ही कैसे प्राप्त करते हैं देख चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपको आधार कार्ड नंबर से या एनरोलमेंट नंबर से आधार कार्ड डाउनलोड करना है ई आधार में या फिर PDF फॉर्म में, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स आधार कार्ड तीन प्रकार से डाउनलोड होता है, उसकी हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात, अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड आपने अभी लिंक नहीं किया तो आप लिंक कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।